केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यूपी में एंट्री हो चुकी है। यूपी में राजनीतिक भाषणों के माध्यम से प्रवेश के दौरान बीते कल अमित शाह उन्नाव मुरादाबाद पहुंचे थे। इस बीच अमित शाह आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि अयोध्या नगर में उनका हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क और सभा के लिए GIC में उतरेगा। तो आपको बता दें, लगातार यूपी के चुनाव के लिए कमर कस ली है। गृह मंत्री हूं या पीएम हूं, कल पीएम भी लगातार दौरों पे रहे और इसके बाद उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह कल भी उन्होंने अपना संबोधन दिया था, जनसभा की थी और उसके बाद आज भी उनका संबोधन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की यूपी में एंट्री हुई है जिसके बाद लगातार जनसभाएं चल रही हैं। यूपी में राजनीतिक भाषणों के माध्यम से प्रवेश के दौर में बीते कल अमित शाह उन्नाव मुरादाबाद पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने जनता को संबोधित किया था और इसके बीच में आज अमित शाह अयोध्या जाने वाले हैं। रामलला के वो दर्शन करेंगे, इसके अलावा हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। अयोध्या नगर में हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क और सभा के लिए GIC में उतरेगा। और सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं आकाश। आकाश, आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कितने बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, रामलला के दर्शन भी करेंगे वो? हाँ जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आज जो है गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा है तो कई मायने में बहुत अहम स्थान रखता है, क्योंकि वो 10:05 पर रामकथा के पास बने हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से वो सीधा हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर वो दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा वो रामलला के जो है मंदिर जाएंगे, जहाँ पर जो है अभी विराजमान है, जहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो वहाँ के ट्रस्ट के महासचिव संपत राय से मिलेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि कार्य की प्रगति क्या है। और वहाँ पर जो है नृपेन्द्र मिश्र भी अध्यक्ष जो है ट्रस्ट के, वो भी रहेंगे निर्माण समिति के, वो भी अपना जानकारी देंगे। इसके अलावा वो दर्शन पूजन करेंगे और रामलला की आरती उतारेंगे और फिर उसके बाद में वो जाएंगे जो अध्यक्ष है राम मंदिर निर्माण के नृत्य गोपाल दास जी, उनके छोटी छावनी स्थित उनके मंदिर पर जाएंगे, वहाँ मठ पर वहाँ पर मुलाकात करेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे और उसके बाद में फिर वो जो है हेलीपैड पे जाके और GIC में उनका हेलीपैड उतरेगा जो फैजाबाद में स्थित है। वहाँ पर उनकी एक जनसभा है जहाँ पर करीब लाखों की भीड़ होगी, क्योंकि कवायद जो भाजपाइयों का है वो यहाँ पर चल रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे चलिए तो कार्यकर्ता वहाँ पहुंचेंगे, जनता वहाँ पहुंचेगी।